सबको गुड आफ्टरनून। हमने अभी आपका जो नया सॉन्ग है सरफराज देखा, काफी अच्छा लगा। पहले आप ये बताइए जो सरफराज सॉन्ग जो है काफी कैची टून लगा, थोड़ा मतलब जो पागलपन है हमने वो देखा, आप लोगों को वो पागलपन करते हुए कितना मजा आया, कितना लगा, कैसा एक्सपीरियंस? मेरे लिए काफी अलग था क्योंकि मेरी फिल्मों में अक्सर ऐसे गाने होते नहीं है, सॉरी फॉर द कोल्ड, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि निखिल सर ने कुछ प्रोग्रेसिव किया, नहीं तो अक्सर वही सेम बाल उड़ रहे हैं हवा में या वही एक जो कन्वेंशनल सा फॉर्मेट में ब्यूटी शॉट्स आ रहे हैं, बट ही गेव मी वेरी स्ट्राइकिंग लुक हमारे कॉलेज का एनुअल डे को लेके हम लोग, तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड एक्चुअली कि इन्होंने मेरे को इतना अच्छा, बिल्कुल अवांगार्ड सॉर्ट ऑफ, यू नो, वेरी नाइस हेयर एंड वेरी नाइस कॉस्ट्यूम, तो उस आई थिंक दैट वे इट्स वेरी फैशन फॉरवर्ड। और जो अभी आज की जनरेशन है, उन्होंने जब कल होना हो में एक लव स्टोरी दिखाई थी तो उस टाइम के लिए वो बहुत फैशन फॉरवर्ड थी, और अब जो कट्टी बट्टी में जितना भी स्टाइल है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, चाहे वो स्क्रीन प्ले है या कैरेक्टर्स हैं या स्टोरी है, जो आप फिल्म देखेंगे उस वक्त भी आप ये कहेंगे कि आज अब इस टाइम के हिसाब से इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। फैशन फॉरवर्ड आपका कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर फैशन बैकवर्ड है। इस गाने को लेकर देखिए, ये जो गाना है वेयर इट कम्स इन द फिल्म, आप देखेंगे कि इन दो कैरेक्टर्स के बीच में प्यार होने लगता है, और उस प्यार में जो पागलपन है, जो दीवानापन है, इस गाने के लिरिक्स और पिक्चराइजेशन में आपको भरपूर नज़र आएगा। इफ़ यू लिसन टू द लिरिक्स, वो क्या है, फिजूल है तेरे बिन खेले ये मौसम जो कभी, तेरे बिन जो चले भी चले मेरे सांसे, तो इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ मैड लव, ऑफ वेरी वेरी डीप एंड पैशनेट लव, बहुत ही खूबसूरत गाना है। ये फिल्म, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमतौर पर जो हम रोमांटिक फिल्में बनाते हैं, खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ वो फिल्में ख़त्म होती हैं कट्टी बट्टी शुरू होती है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉलेज वगैरह के रोमांसेस होते हैं, दैट इज़ व्हाट मोस्ट फिल्म्स आर अबाउट। हमारी फिल्म तब शुरू होती है जब इनका 5 साल का रिलेशनशिप टूट जाता है, तो ऑल एवरीथिंग एल्स इज इन द पास्ट, कट्टी बट्टी स्टार्ट्स वेयर ऑल द अदर फिल्म्स एंड। ओके सर, फिर एक अगर बात करें, आप दोनों से जानना चाहेंगे अपनी लाइफ में अब तक आपने सबसे सर फिरी चीज है, सर फिरा वो जो एक दिन था वो कौन सा? गुड क्वेश्चन। वियर्डेस्ट? अच्छा, वैकीएस्ट? वियर्डेस्ट, वैकीएस्ट, वियर्ड और वैकी, मैंने कहा काफी अजीब लगा। पहला दिन शूटिंग का काफी सरफिरा था, जो मेरा पहला दिन, फर्स्ट एवर डे, हम लोग सियोल में थे, गैंगस्टर की शूट कर रहे थे, और मुझ पे इतना अजीब सा दिन था वो मेरे लिए, मुझे समझ, अनुराग वाइड शॉट्स ले रहा था तो उसने कैमरा कहीं रखा, तो उसने कहा था तुम्हें बस यहाँ से यहाँ तक चलना है, तो मैं चलती गई और मैं फ्रेम से गायब हो गई, और फिर मैं चलती ही गई, तो वो लोग मुझे फिर उन्होंने सेटअप चेंज किया, और उसके बाद वो मेरे को ढूंढने में लगे, और मैं सोचूं मैं तो चलती जा रही हूँ, मुझे कोई रोक ही नहीं रहा है, तो उनको पता नहीं चला कि लड़की चली गई है। देन देर वॉज अ क्रू वेंट आफ्टर मी टू लुक फॉर मी, तो आई थिंक दैट वॉज क्वाइट अ मैड डे। तो मुझे फिर काफ़ी सुनाया कि यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल, एंड आई वॉज सो नर्वस एंड आई ब्रोक डाउन। फिर इमरान आया मुझे मनाने के लिए, मुझे इमरान हाशमी, फिर वो आया मुझे मनाने के लिए, तो आई रिमेम्बर वॉज अ क्रेजी डे। I don't have a story that's even half as good as that, Yash. इतना entertaining हो ही नहीं सकता। You take the prize, take the crown. My life. Most Sarfira story, good one. फिर भी आपका story भले film से ना related हो, कभी college का हो, ऐसा कुछ हो, किस्सा कोई। I'll have to sit and think. Everyone will get bored. Kanga, there are reports which say that Salman had to convince you to sign up this film. So how did he convince you? He didn't have to convince me, but he called me to tell me about this script. And I'm glad that he did that. Because at that time, after Queen, I was really flooded with all female-centric films offers. और मुझे भी natural सी मेरी priority फिर वही films हो जाती हैं जहाँ पे मेरा central character है. तो मुझे लगता नहीं है कि आई वुड हैव यू नो इवन गिवन इट अ थॉट, लेकिन अभी सलमान की जो भी उसके इंस्टिंक्ट्स है, आई ऑब्वियसली इज़ अ फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट हिम, तो आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड ही टोल्ड मी कि यू हैव टू हियर दिस स्टोरी, सो आई लाइक ओके, आई सेड व्हाई इज़ ही टेलिंग मी दैट यू नो आई शुड डू दिस फिल्म, जहाँ पे लड़का लड़की का दोनों का एक समान किरदार है,
तो आई थॉट कि चलो सलमान ने कहा है कि आई शुड एटलीस्ट हियर इट, नहीं तो यू नो ही विल फील के यू नो उसने सुनी भी नहीं कहानी. व्हेन आई हर्ड इट आई इमीडिएटली लाइक विद इन वन सेकेंड आई सेड येस, आई सेड आई शुड डू दिस, आई लव द स्टोरी. ऐसा माना जाता है कि आमिर खान ने भी कटी बटी की कंट्रीब्यूशन किया था कि सच द प्रमोशनल पार्ट ऑफ द फिल्म ही इज इन्वॉल्वड इन द प्रमोशनल पार्ट. ऐसा कुछ नहीं है, प्रमोशनल में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है. नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल, अगर इन्वॉल्व था तो इधर बैठे उन्होंने एक रफ कट देखा और उन्हें उनको ये लगा कि हमने कुछ ज्यादा इंग्लिश डायलॉग्स यूज किए हैं फिल्म में. आई थिंक ही हैज सीन द फिल्म एंड ही हैज लव्ड द फिल्म. And that's about it. There is nothing more to contribute because the film is complete. Aur hamara sab kuch ho gaya hai, background, dubbing, everything is done. To ab kya contribute karna hai? But wo bahut hi unhone protsahit kiya. Aur I think ye ho jata hai kyunki Aamir sir ki itni zyada credibility hai. Aur I personally, I'm a huge fan and he's a friend and he's for me like he's you know someone that I completely you know. Idealized. So I his what he feels what he thinks matters to us and Nikhil sir was keen that he shows the film to him aur unhone dekhi to uske baad unhone itna acha feedback diya UTV ki team ko. He loved the film to hum sab fir uske baad aur zyada confident ho gaye ki acha ab to hum log all guns blazing jhande leke nikal gaye hum to promotion pe. Last question. तनु जा त्रिवेदी जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में. आई फील शी इज नहीं इतनी एक्साइटिंग लाइफ नहीं है पायल की, लेकिन शी इज अनदर पर्सन हू आई डिस्कवर्ड एंड she's definitely one of those people who I identify with. जो एकदम जो कोकोनट टाइप कैरेक्टर होते हैं जो बाहर से बहुत ही हार्ड लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो लगते हैं पर अंदर से बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं. सो दे हैव दिस persona of के यू नो आई एम वेरी कूल और मेरे से पंगा मत लेना, लेकिन अंदर एक सारा दिन घर पर बैठ के रोना और यू नो चॉकलेट्स खाना उसमें. सो आई थिंक शी इज़ लाइक दैट एंड शी इज़ अ वेरी क्यूट कैरेक्टर बट कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड. बट नॉट लाइक तनुजा. तनुजा त्रिवेदी इज लाइक जो उनका है ना कि इस औरत को बाहर मत छोड़े दुनिया पर बात करते हैं. शी इज अ डिफरेंट पर्सन फॉर श्योर. कंगना, लास्ट क्वेश्चन. इंडिपेंडेंस डे है आपके लिए, आजादी के मायने क्या है कंगना के लिए? आजादी के मायने, आजादी आई थिंक आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले सकें, आप एक आपको हर तरह की आजादी मिले, लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप यू नो यू इग्नोर योर वैल्यूज़. और अगर आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी आज़ादी छीन रहे हैं. या देर आर रूल्स, यू फॉलो द रूल्स, इट्स गुड फॉर एवरीवन. ग्रोइंग अप आई हेटेड फॉलोइंग रूल्स. मुझे लगता था कि रूल्स फॉलो नहीं करना इज़ वेरी कूल. तो कभी भी क्यूज ब्रेक करना या सिग्नल तोड़ के निकल जाना, जहाँ पर जो भी रूल हो वो मुझे फॉलो नहीं करना था बस, एंड आई थॉट इट वाज कूल. बट अब जब मेरी मुझ में मैच्योरिटी आई है और मैं देखती हूँ कि कितना वो एक असुविधाजनक हो सकता है सबके लिए, चाहे कोई भी इंसान किस भी लेवल पे करे, तो मुझे आई एम द फर्स्ट पर्सन नाउ टू सेट रूल्स एंड टू फॉलो रूल्स. और अगर वो बिल्कुल लेम रूल क्यों ना हो जाए, आई फॉलो ऑल द रूल्स. ऐसे बहुत सारे झलक नज़र आएंगे आपको इस पूरी फिल्म में, खास करके जब मैं नरेशन सुन रहा था, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, एक के बाद एक ऐसे सीन्स आ रहे थे इन कपल के बीच में जो सिर्फ वो बंदा जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे रहा है उनको समझ में आएगा. देर आर दोज मोमेंट्स विच ओनली फाइट्स विच ओनली कपल्स हैव, देर आर द मेकअप्स विच ओनली कपल्स हैव. एंड फॉर मी वाइल रीडिंग आई वॉज फीलिंग कि यार ये मेरी जिंदगी का एक झलक है. I've had the same fight and then I've made up in the same way. It is happening. All of these moments are true tonight.